और ये वीडियो जो बनाने का मकसद है, एक्चुअली एक बंदा है जो दुबई से इधर आया है, बहुत सारा पैसा खर्चा करके आया है। उससे मैं ट्राई करूंगा, उससे बात करूंगा, अगर वो रेडी होता है तो मैं उसका उससे बात करके वीडियो का अपलोड करता हूँ उसके बारे में। उस बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया फेसबुक के थ्रू, मैं फेसबुक पे भी ये वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उन्होंने मैसेंजर से मतलब कॉन्टेक्ट किया कि भाई मैं माल्टा में आया हूँ और मुझे पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है। तो फिर मैंने उनको गाइड किया जो जो करना था वो उसके बारे में। फिर वो अभी उसका प्रोसेस मतलब अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टीआरसी वगैरह नहीं मिला है, बट हाँ उसको गाइड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है काम। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा, माल्टा आने के बाद में जो है फर्स्ट थिंग क्या करना होता है, फिर बाद में क्या करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि माल्टा में आने के बाद जो है पहला चीज जो है हमें क्या करना होता है। तो जैसे हम एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं माल्टा एयरपोर्ट पे, तो रूम वगैरह है तो पहले से मतलब मैक्सिमम आदमी पहले से बुक करके रखते हैं, तो रूम तो वो तो आप रूम पे ही जाएंगे। तो वहां पे जाने के बाद में जो फर्स्ट थिंग है वो आपको सिम लेना है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का सिम मिलता है, आपका गो का मिलेगा, एपिक मिलेगा, मलेता मिलेगा, तो इसमें से कोई भी सिम आप ले सकते हैं, क्योंकि बगैर सिम के जो है आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब दोस्त से कांटेक्ट करना होगा, कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, जो भी है तो वो सिम आपको लेना पड़ेगा। तो सिम जो है सिम ले लेंगे, सिम जो है आपका 10 यूरो में मिलता है, वो डिपेंड करता है, तो बट मैक्सिमम जो सिम है वो 10 यूरो में मिलता है। तो फर्स्ट थिंग जो है आपका सिम हो गया। सेकेंड थिंग जो है आप जिस दिन आते हैं उसी दिन आप ट्राई कीजिएगा आइडेंटिटी माल्टा में जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी जो है आपको 10 दिन या 15 दिन के अंदर में जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम जो है आपको 1 मंथ के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है आप अगर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं आइडेंटी माल्टा में तो वो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो है 1 मंथ के बाद ही मिलेगा। उस 1 मंथ में जो है जैसे अपॉइंटमेंट आप ले लिया 1 मंथ के बाद में का, तो उसके अंदर में जो है आपका जो और भी काम है वो सारा प्रोसेस आराम से इजिली हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं पूरा काम निपटा के उसके बाद में अपॉइंटमेंट लूँ, तो उसमें जो है आपसे 2 से 3 महीना जो है आपको टाइम लग जाएगा वो पूरा कंप्लीट मतलब आपको टीआरसी मिलने तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला थिंग जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए जो है ईमेल आईडी, उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ का लोकल, और रेफरेंस नंबर जो होता है आपको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर पर लिखा रहता है जो R से स्टार्ट होता है, वो रेफरेंस नंबर जो है वहाँ पे आपको मतलब जरूरी पड़ेगा जब अपॉइंटमेंट आप लेंगे। फिर उसके बाद में जो है मेडिकल मतलब मेडिकल चेकअप, जो उसमें स्क्रीनिंग मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, उसमें आपका एक्सरे चेस्ट एक्सरे होगा और फिर उसमें वैक्सीनेशन होता है। तो पहले क्या था कि पहले हम लोग अपने कंट्री से वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा के लाते थे तो हमारा जो है उसी पे काम चल जाता था, लेकिन अभी क्या है यहाँ माल्टा में रूल चेंज हो गया है, अभी यहाँ पे जो है वैक्सीन लेना कंपलसरी हो गया है, तो वहाँ पे जो है वैक्सीन भी आपको लेना पड़ेगा। वो टोटल मेडिकल स्क्रीनिंग में आपका अप्रोक्स जो है 200 से 250 तक का मतलब कि आपका यूरो में पैसा मतलब लग जाएंगे मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के लिए, और उसमें मतलब पूरा कवर होता है आपका चेस्ट एक्सरे मेडिकल स्क्रीनिंग वैक्सीनेशन एवरीथिंग, वो सर्टिफिकेट बना करके आपको देंगे उसी सेम डे में। वो मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए भी जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो मेडिकल स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आपको कॉन्टेक्ट करना होगा बाई ईमेल और बाई कॉल, और उनको बोलना होगा कि मुझे मेडिकल स्क्रीनिंग कराना है, तो वो लोग जो है आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वो भी जरूरी है, वो भी मतलब मिनिमम 2 से 3 दिन के बाद में अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो वो करा लेंगे। जैसे ही आपका मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाता है फिर जो है वो सर्टिफिकेट जो भी आपको हॉस्पिटल से मिलता है क्लिनिक से मिलता है वो पेपर जो है आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे, और वो जो है आपके एम्प्लॉयर वो IDCU में वो सबमिट करेंगे। IDCU जो है एक डिपार्टमेंट है जो डिजीज वगैरह को कंट्रोल करने वाला एक डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट को पास में वो भेजेंगे पेपर, तो वो लोग जो है वेरीफाई करके फिर जो है वो एक अप्रूवल ईमेल भेजेंगे वो आपके एम्प्लॉयर के पास में। तो वो जो ईमेल भेजेंगे वो जो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब आप आइडेंटिटी माल्टा में जाते हैं। फिर मेडिकल के बाद में आता है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। तो हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तो पहले से जो बंदा वहाँ रहते हैं वहाँ से भी बनवा के रखते हैं, और बहुत सारे बंदे हैं जो यहाँ पे मतलब आने के बाद भी बनवाते हैं, आप कहीं से भी बनवाएं, लेकिन जो है एक हाउसिंग अथॉरिटी होता है, हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल भी चाहिए। उसके लिए जो है आप लैंडलॉर्ड से बात करेंगे, जो आपका रूम ओनर होगा उसे बात करेंगे कि मुझे हाउसिंग अथॉरिटी चाहिए, पेपर चाहिए, तो वो जो है हाउसिंग अथॉरिटी में अप्लाई करके वहां से जो है एक अप्रूवल लेटर मिलता है, वो लेटर जो है आपको वो दे देंगे। तो आप मतलब आइडेंटिटी माल्टा में जब जाएंगे तो उस टाइम पे ये चीज जो है आपको वहां पे मांगेंगे, तो वो चीज जो है आपको वहां पे
शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप अगर हॉस्पिटैलिटी में है, लाइक होटल्स लाइन में आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। आइडेंटी माटा में जब आप जाते हैं टीआरसी के लिए, तो जो है आपको जो है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मतलब अदर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, लाइक होटल और ये हॉस्पिटैलिटी, आई मीन मेडिकल लाइन छोड़ करके अगर दूसरा कोई फील्ड में आ रहा है, तो फिर उसके लिए एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिक्योरिटी के लिए वो अदर चीज़ है, वो तो उनको मालूम होता है। बट ये दो चीज़ के लिए जो है, एक होटल्स में आ रहे हैं तो उसके लिए फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और जो हॉस्पिटल के लिए आते हैं उनके लिए एक अदर सर्टिफिकेट आता है। वो चीज़ जो है वो आपको बनवाना पड़ेंगे। तो ये जो चार चीज़ है, ये चार चीज़ आपको सबसे पहले जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर में जो है रेडी करके रखना है। क्योंकि जब मेडिकल हम कराते हैं, तो मेडिकल के बाद में जो है हमारे एम्प्लॉयर IDCU को, मतलब वो पेपर भेजते हैं अप्रूवल के लिए। फिर वो लोग जो है अप्रूव करके उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर को जो है वो कंफर्मेशन ईमेल करता है कि हाँ, मतलब कि ये अप्रूव है, ये आप जा करके आगे का जो प्रोसेस है आप करा सकते हैं। तो जब ये सारे चीज़ जो है आपको पहले करना है, उसके बाद में जब आप आइडेंटिटी माल्टा में जाते हैं TRC के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे जाने से पहले जो है बहुत, मतलब पेपर सारा रिक्वायरमेंट होता है। तो उस पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पेपर जो है आपको लेके वहाँ पे जाना है। तो फर्स्ट थिंग है जो है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट तो आपके पास भी रहता है, तो वो तो लेके जाना ही है। फिर जो आप जिस कंट्री से आ रहे हैं, तो वहाँ पे एम्बेसी के थ्रू जो वीज़ा लगा होता है, आपका स्टिकर लगा होता है वीज़ा का आपके पासपोर्ट पे, उसका जो है फोटो कॉपी करा लेंगे। फिर पासपोर्ट का फोटो कॉपी करा कर रख लीजिएगा। फिर जो है मेडिकल का, जो मेडिकल स्क्रीनिंग से जो पेपर मिला था मेडिकल ऑफिस से, वो पेपर जो है सारा पेपर आपके पास में रखना होगा। फिर उसके बाद में जो है वहाँ पे चेस्ट एक्सरे का भी पेपर होता है, वो भी रखना होगा। मतलब मेडिकल क्लिनिक से जो भी पेपर मिला है वो सारे साथ में रख लेना है। फिर उसके बाद में जो है IDCU का एक अप्रूवल ईमेल आता है, कन्फर्मेशन ईमेल, वो ईमेल का जो है प्रिंट आउट करके जो है आपको कंपलसरी रखना है साथ में। क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे तो वो जरूर कंपलसरी 100% पूछेंगे। अगर वो अप्रूवल ईमेल आपके पास नहीं होगा, वो मोबाइल में आपको वो नहीं देखेंगे, वो आप वो पेपर आपके पास होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो जो है आपको रिटर्न भी भेज सकते हैं। तो वो जो आपका अपॉइंटमेंट है वो मतलब कि बेकार हो जाएगा, फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर से जो है आपको विजिट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है ये हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो एग्रीमेंट बनता है हाउसिंग का, वो उसका वो वाला पेपर चाहिए। फिर जो है हाउसिंग अथॉरिटी जो अप्रूवल लेटर होता है वो भी चाहिए। वो दोनों पेपर जो है आप अपने साथ में रख लीजिएगा जब आप आइडेंटिटी मार्टर जा रहे हैं। तो फिर अगर आप होटल्स लाइन में हैं, तो आपके लिए जो है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए। और एक चीज़ और, जो आप अपॉइंटमेंट लिए होते हैं आइडेंटिटी माल्टा में जिस दिन का, उसका जो है कंफर्मेशन ईमेल का भी जो है प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। उसका भी जो है एक फोटो कॉपी करा करके वो भी साथ में रख लीजिए। क्योंकि जब से ही आप गेट पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट थिंग वही पूछेंगे आपके पास अपॉइंटमेंट है, तो वो पेपर जो है आपको शो करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे चीज है, इतने सारे पेपर है जो आप आइडेंटिटी मार्टर में जाएंगे उस टाइम पे जो है आपको वहाँ पे मांगेंगे। तो ये सारे जो जितना भी मैं पेपर बताया हूँ, ये पेपर जो है आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी पेपर मिसिंग होगा, तो शायद वो जो है आपको TRC देने से मना कर देंगे, बोलेंगे वो सारा पेपर रेडी करके आओ, और फिर जो है वो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा और फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिएगा कि कोई भी पेपर मिस ना हो, कुछ आपका जो भी फाइल हो पूरा ही रख लेंगे तो अच्छा है। तो ट्राई कीजिएगा कोई भी पेपर जो है आपका मिस ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।